हेलो नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है मनीष और आप लोग देख रहे हैं मनीश्वरी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं किस तरीके से आप लोग अपनी इंस्टाग्राम रील्स की वीडियोस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम रील्स की वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपके व्यूज़ इंक्रीज़ होंगे, लाइक्स इंक्रीज़ होगी आपकी, अगर इंस्टाग्राम रील्स की वीडियो वायरल होगी तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो होगा, आप लोगों के इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स इंक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप लोगों की इंस्टाग्राम रील्स की वीडियो वायरल होगी, बहुत से लोग आपकी प्रोफाइल पर विजिट करेंगे, तो अगर उन लोगों को आपकी प्रोफाइल पसंद आती है तो आपको डेफिनेटली फॉलो करेंगे और आपकी अदर रील्स वीडियोस देखेंगे, आपकी फोटोज को लाइक करेंगे। तो कुल मिला के अगर आप लोग इंस्टाग्राम रील्स पर काम करेंगे, आपकी इंस्टाग्राम रील्स ज्यादा से ज्यादा वायरल होगी, तो कुल मिला के हमारा फायदा यह होगा कि हम लोग इंस्टाग्राम पर ग्रो करेंगे, हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोगों के इंस्टाग्राम रील्स की वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल हो, आप लोगों को इंस्टाग्राम रील्स पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज, लाइक, सब चीजें। So, मेरा नाम है मनीष और आप लोग देख रहे हैं मनीश्वरी YouTube चैनल। So, बिना टाइम गवाए आज किस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं किस तरीके से आप लोग अपनी Instagram रील्स की वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और व्यूज पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरा एक कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, जो कि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे हैं Instagram रील्स पे, तो मैं आपको उसके बारे में सबसे पहले बताता हूं। देखो क्या होता है कि जब मैंने Instagram रील्स पे दो वीडियोस अपलोड करी हैं, आप लोग मेरे Instagram पे जाकर चेक कर सकते हैं, मेरा Instagram यूजर नेम है मनीष फॉर यू। आप लोग जाइएगा इस वीडियो के बाद, भले ही चले जाइएगा, सर्च करिएगा मनीष फॉर यू, मिल जाऊंगा, यही प्रोफाइल है जो यहां पे YouTube चैनल की प्रोफाइल है, जाकर सर्च करिएगा, विजिट करिएगा, दो वीडियोस डालिए, देख लीजिएगा। तो मैं उनके बारे में बात करने वाला हूं। मैंने क्या करा कि मैंने नोटिस करा, मैंने तीन वीडियोस अपलोड करी थी, एक डिलीट कर दी थी, ऐसी अपलोड करी थी, एक वीडियो मैंने फीड में शेयर करी थी, दो नहीं करी थी। तो दो जो वीडियो मैंने फीड में शेयर नहीं करी, मैं आपको पहले फीड क्लियर कर देता हूं क्या होता है। तो जैसे आप लोग Instagram रील्स पे वीडियो अपलोड करने जाएंगे ना, तो वहां पे आपको एक टिक मार्क ऑप्शन मिल जाता है कि इस वीडियो को आप लोग अपने Instagram फीड में, यानी जो आपके Instagram का पोस्ट वाला सेक्शन होता है, वहां पे शेयर करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप उसको अनटिक कर देंगे तो शेयर नहीं होगी, और टिक कर देंगे तो शेयर हो जाएगी। तो जो मैंने अभी रिसेंटली दो वीडियोस अपलोड करी, मैं उस चीज को टिक नहीं करा था, इसलिए नहीं करा कि यार मैं अपनी फीड में फोटोज वगैरह शेयर करता हूं तो फिर वहां वीडियोस आ जाती हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता, इस वजह से नहीं करी। तो यहां पे मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो वीडियोस मैंने फीड में शेयर नहीं करी थी भाई, उसमें ऑर्गेनिक रीच बिल्कुल नहीं मिल रही थी, यहां तक कि मेरे फॉलोअर्स को भी नहीं पता चला कि मैंने कोई वीडियो अपलोड करी है। तो आप लोगों को मेक श्योर एक चीज ध्यान में रखनी है, जितनी भी वीडियोस अगर आप लोग अपनी इंस्टाग्राम रील्स में अपलोड कर रहे हैं, उसको अपनी फीड के लिए टिक जरूर करें और अपनी फीड में शेयर करें। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूं। जैसे आपने कोई वीडियो अपलोड करी इंस्टाग्राम रील्स पे, अब क्या होता है, वो शेयर होती है, पहले तो आपके फॉलोवर्स के पास जाती है, जब आपके फॉलोवर्स को वीडियो पसंद आती है, वो ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं, व्यूज करते हैं और शेयर करते हैं, तो उसको इनिशियल बूस्ट मिल जाता है, जो आपकी वीडियो है इंस्टाग्राम रील्स की शुरुआत में उसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो इंस्टाग्राम रील्स वाले क्या करते हैं कि और रिकमेंड करते हैं और लोगों को, जैसे कोई स्क्रॉल कर रहा है वहां पे इंस्टाग्राम रील्स में, तो आपकी वीडियोस भी उन लोगों के पास चांसेस है कि वो वीडियोस, आपकी जो वीडियो है वो उन लोगों के पास जाएगी। तो इसलिए हमेशा जो आपकी वीडियोस है उसको अपनी फीड में जरूर शेयर करें, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की वीडियो जो इंस्टाग्राम की रील्स की वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे, आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे, व्यूज दे, तो आप लोग अपनी इंस्टाग्राम रील्स की वीडियो को जरूर से जरूर अपनी फीड में जरूर शेयर करिएगा। ओके गाइस, हम लोगों ने यहां पे थोड़ी बहुत चीजें समझ ली कि हां भाई हमें फीड में शेयर करना चाहिए तो हमें ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिलेंगे, लेकिन अब हम लोग एक बात समझते हैं कि हमें किस टाइप की वीडियोस बनाना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा वायरल हो और ज्यादा से ज्यादा हमको इंस्टाग्राम रील्स पे व्यूज ला के दे, लाइक्स ला के दे, ताकि हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इंक्रीज हो। तो मैं आपको बताता हूं, जो ज्यादातर वीडियोस का वॉच टाइम ज्यादा होता है ना, जिस वीडियो का वॉच टाइम ज्यादा होता है वीडियो उतनी ही ज्यादा रिकमेंड होती है। आप लोगों को ऐसी वीडियोस बनानी है जो ज्यादातर इंटरेस्टिंग वीडियोस हो। अब इंटरेस्टिंग का मतलब यह है कि जो वीडियो ज्यादातर लोगों से रिलेट करे। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मैंने बहुत सारे मीमर्स ऐसे देखे हैं जो रील्स में मीमे कंटेंट शेयर करते हैं, तो मीमे कंटेंट में क्या होता है, वो हमसे रिलेट करती है, तो हम लोग उसको ज्यादातर शेयर करते हैं। तो आप लोगों को ऐसा करना है कि जो अपने से रिलेट करे, ऐसी वीडियोस जो आपसे रिलेट कर रही हो या दूसरों से रिलेट कर रही हो ऐसी डाल सकते हैं, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो दूसरों से भी रिलेट करे, इंफॉर्मेशन भी आप अपलोड कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के ऐसी वीडियोस जो ज्यादातर लोगों को पसंद आती हो और जो वीडियोस ज्यादा लॉन्ग टाइम तक लोग देख सके। क्योंकि देखो, अगर आपकी कोई वीडियोस किसी को सजेस्टेड में जाती है और उसने एक दो सेकंड वॉच करी और उसके बाद उसको स्क्रॉल कर दिया, तो वहां पे उसका एंगेजमेंट खराब हो जाता है और वो फिर ज्यादातर लोगों को रिकमेंड नहीं होती है। और जो वीडियोस को ज्यादातर, जैसे आपको कोई वीडियो आ रही है आपके सामने रील्स में और आप उसको ज्यादा देर तक देख रहे हैं, तो आपके पास वो वीडियो इसीलिए आई है क्योंकि उसे और लोगों ने देखा हुआ है, तो वो आपको रिकमेंड हो रही है। तो कुल मिला के हमें यहां पर ऐसी इंटरेस्टिंग और या फिर थोड़ी सी कॉमेडी टाइप या फिर ऐसी वीडियोस बनानी है जो लोगों को पसंद आए और वो जो लोग ज्यादातर उस वीडियो को लॉन्ग टाइम तक देखे। मतलब उसका वॉच टाइम जितना ज्यादा इंक्रीज होगा वीडियो का, वो उतनी ज्यादा लोगों तक
रिकमेंड होगी। तो आप लोग हमेशा ये ध्यान में रखें कि इस टाइप की वीडियो बनानी है, जैसा मैंने आपको बताया, इंटरेस्टिंग या फिर मीम्स वगैरह या जो भी आप अपने हिसाब से, जो आप जिस भी कैटेगरी में काम करते हो, जिस टाइप का कंटेंट बनाते हो, उस टाइप से अपलोड करें। अब हम लोग तीसरी चीज ये समझते हैं कि जितनी ज्यादा हमारी वीडियो शेयर होगी उतनी ज्यादा हमारी वीडियो वायरल होगी। अब इस चीज को समझते हैं कि आपने नोटिस करा होगा, यहाँ पे मैंने तो नोटिस करा है, जब क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा रिसर्च करता रहता हूँ, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जिस वीडियो पे ज्यादा सेव होती है, जैसे अगर अपनी पोस्ट में सेव का ऑप्शन आता है, रील्स में नहीं आता अभी, तो जितनी ज्यादा हमारी पोस्ट इंस्टाग्राम की सेव होती है, जितनी ज्यादा शेयर होती है, वो पोस्ट उतनी ज्यादा रिकमेंड होती है सर्च बार में। तो ऐसा ही यहाँ पे रील्स का भी सिस्टम है, जितनी ज्यादा आपकी यहाँ पे रील्स की वीडियो शेयर हो रही है उतनी ज्यादा आपकी यहाँ पे वो और लोगों को रिकमेंड होगी और वो वीडियो उतनी ही ज्यादा वायरल होगी। तो आप लोगों को ऐसी वीडियोस बनानी है जो ज्यादातर लोग शेयर कर सके, मतलब कि अब कुछ भी हो सकती है वीडियोस, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इसी कैटेगरी में, क्योंकि सब अलग अलग कैटेगरी में काम करते हैं, कोई फोटोशूट से रिलेटेड वीडियोस बनाता, कोई मीम कंटेंट शेयर करता है, कोई टिकटॉक वाली वीडियोस बनाता है, मतलब समझ लो ना, हाँ उस टाइप की वीडियोस, तो उस टाइप की वीडियोस भी चल रही हैं, देखा जाए तो रील्स पे वही वीडियोस चल रही हैं। तो ऐसी वीडियोस बनानी है जो भाई अच्छे से कोई भी अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में शेयर कर सके, वो वीडियो भाई क्या वायरल होती है, जो जितनी ज्यादा शेयर होती है वो उतनी ज्यादा वायरल होती है। उसका रीजन भी मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि अगर आप मेरे 100 फॉलोवर, एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो 60 के हैं बट हम लोग समझ लेते हैं 100 फॉलोवर हैं। अब मैंने कोई वीडियो अपलोड करी और मुझे पसंद आ गया और मैंने उसको शेयर कर दिया मेरी स्टोरी में, तो वहां पे उसको इंप्रेशन कितने मिले, 100 लोगों के हैं, मान लेते हैं हम लोग 100 फॉलोवर्स हैं, उनमें से 50 लोगों ने स्टोरी देखी तो 50 इंप्रेशन मिले, और अगर उनमें से किसी ने विजिट करके और शेयर कर दी, तो इस तरीके से जितनी ज्यादा शेयर होंगी आपकी वीडियो, वो वीडियो उतनी ही ज्यादा वायरल होगी। तो अब हम लोगों ने ये बात तो समझ ली कि इस तरीके की हम लोगों को वीडियोस बनानी है जो ज्यादातर शेयर हो। तो मैंने शेयर मतलब जितनी ज्यादा होगी ना उतनी ज्यादा आपकी वीडियो वायरल होगी, और जितनी ज्यादा वायरल होगी आपको व्यूज ज्यादा मिलेंगे, आपको इंस्टाग्राम रील्स पे लाइक ज्यादा मिलेगी, और उसके बाद आपको फाइनली पता है कि अगर दोनों चीज हुई, आपकी वीडियो वायरल होगी तो आपके प्रोफाइल विजिट्स बढ़ेंगे इंस्टाग्राम पे, उतने ही ज्यादा लोगों को आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पसंद आएगी, तो आप लोगों के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भाई दबा के बढ़ने वाले हैं। हाँ जी, तो हम लोगों ने एक चीज़ समझ ली कि हमें कैसी वीडियोस अपलोड करनी है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम लोग ये समझते हैं कि हमें वीडियो अपलोड करते टाइम हमें क्या ऐसी सेटिंग्स करनी चाहिए ताकि हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो, ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड हो। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग प्रॉपर हैशटैग यूज़ करें अपनी इंस्टाग्राम रील्स वीडियो में, क्योंकि आप लोग जैसे वहाँ टाइटल वगैरह या कैप्शन कुछ लिखते हैं उसके बाद आपको वहाँ पे हैशटैग लगाने का ऑप्शन मिलता है। अब हैशटैग पहले हम लोग समझ लेते हैं हैशटैग से फ़ायदा क्या है। एग्जाम्पल, आप लोग अपलोड कर रहे हैं वीडियोस फोटोशूट से रिलेटेड, और अगर आप लोग वहां पे फोटोशूट से रिलेटेड यहां पे हैशटैग यूज कर रहे हैं, तो जो लोग ज्यादातर फोटोशूट के वीडियोस अपलोड करते हैं, फोटोज अपलोड करते हैं, या फोटोशूट से रिलेटेड ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जो लोग फोटोशूट से ज्यादा रिलेटेड पोस्ट को सर्च करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, तो वो जो वीडियो है उनके पास रिकमेंड होगी। यानी कि आपकी वीडियो अगर सही लोगों के पास रिकमेंड होगी, इसका फायदा ये है क्योंकि उनके साथ वो रिलेट करेगी, तो वो ज्यादातर अपने दोस्तों, भाई यारों या फिर स्टोरी वगैरह में वो वीडियो वो लोग जरूर शेयर करेंगे। तो हैशटैग आपको प्रॉपर तरीके से यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग फोटोशूट की वीडियो अपलोड कर रहे हैं रील्स में और आप लोग हैशटैग पता नहीं मीम वाले यूज कर रहे हैं, और मीम्स की वीडियो अपलोड कर रहे हैं और वहां पे फोटोशूट वाले हैशटैग यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको हैशटैग प्रॉपर तरीके से यूज करना है, वीडियो से रिलेटेड हैशटैग यूज करना है, क्योंकि तभी आपकी वीडियो सेम उसी कैटेगरी में रिकमेंड होगी जो आपने हैशटैग यूज कर रहे हैं। तो यहां पे बहुत ज्यादा फैक्टर डिपेंड करता है कि आप लोग हैशटैग सही तरीके से यूज कर रहे हैं या नहीं। तो आपको हैशटैग प्रॉपर तरीके से यूज करना है ताकि आपकी वीडियो सही लोगों तक रिकमेंड हो और ज्यादातर वायरल हो और ज्यादा व्यूज, लाइक, सारी चीजें मिले। और लास्ट चीज मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि ऐसा मत करो कि एक दो वीडियो अपलोड करी यहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स में और आप सोच रहे हैं वायरल नहीं हो रही यार, मेरी वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे। तो ऐसा नहीं होता। देखो, आप लोगों को कंसिस्ट रहना है, स्टे कंसिस्ट रहना है। एक वीडियो दो वीडियो से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को रेगुलर, देखो टिकटॉक पर मुझे पता है बहुत से लोग तीन तीन चार चार वीडियो अपलोड करते थे, अब यहाँ पे तीन तीन चार चार नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट दो तो करो, और दो नहीं तो एक वीडियो रोज अपलोड करो, 30 दिन तक अपलोड करके देखो। यहाँ पे 30 दिन तक अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम रील्स में एक एक वीडियो रेगुलर अपलोड करी, तो उनमें से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, उनमें से क्या होगा, 30 में से एक वायरल हो जाती है, हम लोग ये समझते हैं एग्जांपल के लिए। अब 30 में से एक वीडियो वायरल हुई, तब क्या होगा कि जैसे मेरे को पसंद आई आपकी वीडियो, तो मैं आपकी प्रोफाइल विजिट करूंगा और 29 वीडियोस भी देखूंगा, मेरे को ऐसा लगा कि शायद ये और ऐसी वीडियोस हो। तो यहाँ पे आपको वेट करना है कि यार भाई एक वीडियो वायरल हो, 29 वीडियो भी वायरल होंगे, और फिर ऑब्वियसली बात है अगर आप लोगों की वीडियो सामने वाले को पसंद आएगी वो आपको फॉलो कर लेगा, और फिर आप जब
जब हर वीडियो अपनी रील्स की फीड में शेयर करेंगे वो जरूर देखेगा। जैसे कुल मिला के आप लोग अपना इंस्टाग्राम ग्रो कर पाएंगे इंस्टाग्राम रील्स की मदद से, और आप लोगों के इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स व्यूज लाइक सब चीज दबा के बढ़ने वाले हैं। बहुत ज्यादा आप लोग इंस्टाग्राम पे ग्रो कर सकते हैं इंस्टाग्राम रील्स की मदद से। ये बात मैं पहले एक वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि इंस्टाग्राम रील्स अभी नया है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक रीच है, तो इसका इस्तेमाल कर लो, क्योंकि बाद में फिर वो IGTV जैसा सिस्टम हो जाएगा कि फिर वो आपके फॉलोवर्स तक ही आपकी वीडियो सीमित रहेगी। तो यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद था। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक जरूर करें, इसलिए लास्ट में बोल रहा हूँ, पूरी वीडियो में कहीं नहीं बोला मैंने, तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आप लोगों को ऐसी और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा मिलती रहे। सो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।